खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली के राम राम। फिलहाल कमालपुर रोडान में हाँ और राकेश टिकैत जी यहाँ पे आए हुए थे, उनकी भी अपनी बात रखी है और वो मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखेंगे। तो सोनू मालप्रिया जी हमारे साथ में हैं जो किसान यूनियन के पानीपत से प्रधान हैं। राम राम जी भाई। राम राम सोनू भाई। राम 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 राम। तो किस तरह का मामला आपने लगा है, क्योंकि उस दिन जब सारे करनाल इकट्ठे हुए थे तो शाम ने संतुष्टि कराने की बात हुई थी पुलिस प्रशासन की, भाई शाम ने परिवार वाले ने संतुष्ट कर दें, लेकिन मामला कुछ उल्टा ही हो गया जी। भाई हम तो उस तेनू एक कमाए थे, मैं कहा भाई अगर तुम जुकर भी संतुष्ट होते हो ना, कहा उसका कि तुम मिलवा के संतुष्ट होते हो या जांच से संतुष्ट होते हो, तो भाई जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर टिका साहब द्वारा पता करे, फिर टिका साहब ने लेके आए हैं। मैं कहा जी आज एक वहाँ जमीन का मामला था जो किसी जेजेपी के नेता जलाला गाँव में वहाँ गए थे, फिर मैं यहाँ भी लेके आया। मैं कहा जी आप CBI की थोड़ी ही आप भी कहो, ये सारी बात मीडिया से CM साहब से ही बात करेंगे। तो कोशिश तो भी इन्होंने अपनी समस्या बता दी है, तो हम भी यही कह रहे हैं भाई इनकी संतुष्टि होनी चाहिए, जिनका बच्चा गया है जब तक इनका पेटा नहीं भर जाएगा। अब वो पेटा भैया CBI जांच से भरे या फिर पुलिस अपने हिसाब से भरे, जो कर भी इनका पेटा भरे, हम किसान यूनियन इस परिवार पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमारी मांग हमारे नेता की भी मांग यही है कि भाई जब इनका पेटा CBI से भरता है तो CBI जांच करवा देनी चाहिए। तो सोनू जी आप पुलिस की कार्रवाई तय बड़े बढ़िया डाल वाकिफ हो या किस तरह का मामला डाइवर्ट करें हैं, तो पर्सनल तौर पर अपने जो निजी विचार हैं कि भाई ये मामला ना गुमा सके हैं। देखो गुमान का तो ऐसे है इन्हें के हाथ में सब कुछ, गुमान ने तो ये जब नुका ना जोड़ी का सांप बना दिया है। तो हमने तो देखा है बहुत सारे ऐसे हैं जो मान लिया जो करते 3000 रुपये का मुकदमे लग गया करते, आप फैसी खाओ तो 15 आदमी भीतर निर्दोष लुटे थे, तो धीरे धीरे उसमें सुधार आया। तो मतलब कि अभी भी अब कुछ कम है, लेकिन पुलिस जो चाहे वो कर सके है, लेकिन इस बच्चे के मामले में अगर कोई पक्षपात और कोई ऐसी मतलब कर रहा है तो मुझे तो उससे घटिया और उससे मतलब कि गिरे हुए जो मेरे कदम नहीं लगेगा, जो यहाँ भी अगर पक्षपात की बात कर दी तो इस बच्चे की मौत पे भी। तो स्टार्टिंग में केस कहे हैं सही दिशा में चल रहा था और जाँच भी सही दिशा में चल रही थी, उसके बाद में कहे हैं कि जाँच बिल्कुल ही पलट गई। वही ना, जब ये परिवार ये कह रहा है भाई जो 75% शुरू में तो 95% कह रहे थे अगर 95% में मतलब सिरे चढ़ गई है और वो एक दिन में ही इन कह वो उसका ठाक वो दूसरी जांच बदल दी, वो साइड में कर दिए और उसका केस लगा दिया। तो भी देखो इस नहीं वजह से नहीं, कमियों की वजह से नहीं, खामियों की वजह से मतलब कि हम यही कहते हैं भाई इनकी CBI जांच अगर सरकार करवा दे तो हम इसका धन्यवाद करेंगे। तो अंजलि का घर का आग गया हुआ था जसोर का घर और फिर उसके बाद में ही किसी का घर आवा था, तो उनकी छत पर जाकर गेड़ काने की जरूरत है, उनका बारना का पटक दें। तो जब वो टीन पर गेरा है, टीन पर गेरे का एक लेडीज ने कहा भी है के पड़े हुआ देख का ही, तो उसकी सास सूत्रे थी वो भी देखा इनने, तो मतलब जो पहलू मिले हैं जब तो और तरह के मिल रहे थे, अब और तरह के मिल रहे हैं, तो यही संदेह पस्त होने की वजह से मतलब कि ये कह रहे हैं भाई हम तो अब जो हो गया देखो उसको तो छोटे भाई कोई ले नहीं सकता। हमारी तो यही अपील है सारे गांव वालों से, सारे देश से, सारी दुनिया से, अगर भाई अपने बच्चों को बिल्कुल भी लापरवाह मत छोड़ो, अपने बच्चों को विश्वास की जगह रखो और मतलब कि ऐसे छोड़ के लापरवाह मत हो। तो ये नहीं पता भाई जब घर के घर में राक्षस होते हैं तो बच्चे कहाँ बचेंगे, तो कृपया करके भाई मेरी समाज से अपील यही है भाई अपने बच्चों का, अपने ननिहालों का बहुत बहुत ध्यान रखें ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो खट्टर साहब करनाल तय हैं, कोई गणी लंबी चौड़ी दूर तय नहीं है, तो उनती इस मामला में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे, ना आए ना किसी प्रकार की अपनी गतिविधि जाहिर करी। यहाँ की गतिविधि का यहाँ की एक एक रिपोर्ट हर एक घंटे की रिपोर्ट खट्टर साहब को मिलती रहती है, क्या अपडेट है A to Z, लेकिन अपना कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, कोई ना कोई वजह होगी। अब इस बारे में तो हमारे टिकैत साहब ही बात करेंगे CM तक। राम राम जी। राम राम जी। आपने क्या लगा कि कुछ ऐसे जी लगे क्या बहुत ज़्यादा, जो प्रशासन इस पे नहीं खुल के कोई भी काम कर रहा, जो कोई भी रिजल्ट जहाँ तक नहीं पहुँच रहा, बहुत ये गुस्से वाली बात है। हम तो भाइयों के इनके साथ खड़े हैं, हमने तो हरियाणे में हमारे चौधरी साहब आए ने, जो भी हमें देश देंगे, हमें कोई रोड जाम करना हो भी जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम जहाँ CBI जहाँ तक ये होना चाहिए, तो बिल्कुल ये जब तक इंसाफ नहीं मिलता तो बिल्कुल परिवार के साथ खड़े हैं, ये किसान कौम का पूरी किसान कौम इनके साथ खड़ी है, हम आसन से हमें जो भी देश मिलेगा हम बिल्कुल साथ खड़े हैं इनके परिवार के, इससे बड़ी और दुख वाली बात ही नहीं जी है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे जी? बहुत दुखद घटना है भाई, छोटे के बच्चे साथ ऐसा गलत काम किया, इनको सज़ा मिलनी चाहिए,
इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को, घर वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। तो राकेश टिकैत जी भी आए थे, तमाम किसान नेता भी यहाँ पर पहुँचे थे और इनकी एक के मांग है भाई CBI जाँच हो और बच्चे को न्याय मिले। परिवार का जो पेटा भरने की बात है वो अभी लग नहीं भर रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन उस तरह की कार्रवाई अभी तक करने लग रहा है। तो आपने क्या लगा है इस बार, हम अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।